वो शख्स जिसे आज भारत में हर कोई पहचानता है, वो शख्स जो महज कुछ दिनों के भीतर सोशल मीडिया में इतना वायरल हुआ कि हर किसी की जुबान पर उसका नाम आ गया, वो कथावाचक जो कथा से ज्यादा अपने दिव्य दरबार के लिए दुनिया भर में जाना जाता है और देश के बड़े बड़े नेता उसके दरबार में हाथ बांधे खड़े रहते हैं। हम बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार के नाम से हर जगह मशहूर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ागंज गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री राम कृपाल गर्ग और माता का नाम श्रीमती सरोज गर्ग है, जो कि एक गृहिणी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के एक छोटे भाई शालिग्राम गर्ग हैं, वे भी बालाजी के अनन्य भक्त हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गढ़ा गांव के ही सरकारी स्कूल से पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने स्वाध्यायी रहते हुए बीए किया है। मात्र 12 वर्ष की आयु में ही धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रवचन देना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर बालाजी हनुमान जी की असीम कृपा है, जिस कारण उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। दुनिया के कई देशों में बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र शास्त्री को मानने वाले बड़ी संख्या में मौजूद हैं। दरअसल बागेश्वर धाम में हनुमान जी का वर्षों पुराना एक मंदिर है। इस मंदिर में धीरेन्द्र शास्त्री की पिछली 3-4 पीढ़ियां पुजारी का काम कर चुकी हैं। इनके दादा भगवान दास गर्ग ने हनुमान मंदिर यानी बागेश्वर धाम का पुनर्निर्माण करवाया था। साल 2003 से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस दिव्य दरबार की देख रेख कर रहे हैं। मात्र 9 साल की उम्र में इन्होंने हनुमान जी की पूजा शुरू कर दी थी। अपने गुरु समान दादा भगवान दास गर्ग के बाद इन्होंने बागेश्वर धाम का कार्यभार संभाला। इस धाम में हर मंगलवार और शनिवार को लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई पड़ती है। धीरेन्द्र शास्त्री की आय की बात करें तो अनुमान के मुताबिक इनकी मासिक आय 3.5 से 4 लाख रुपए है। इनकी नेटवर्थ 19.5 करोड़ के आसपास होने का अनुमान है। इनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है। लोगों का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री के पास कई सारी पर्सनल कारें हैं जो अक्सर बाहर जाने के लिए काम आती हैं, जिसमें से एक है टाटा मोटर की फेवरेट एसयूवी टाटा सफारी, जिसमें सवार होकर अक्सर वो मंदिर या आसपास प्रवचन देने के लिए जाते हैं। इनके पास जितनी भी गाड़ियां हैं वो काफी कीमती हैं। धीरेन्द्र शास्त्री दुनिया के कई देशों में श्री राम कथा प्रवचन के लिए बुलाए जाते हैं, जहां उन्हें अनेकों पुरस्कार भी मिल चुके हैं, जिनमें संत शिरोमणि पुरस्कार, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन और वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप पुरस्कार प्रमुख हैं। कुछ दिनों पहले इन्हें ब्रिटेन की संसद में भी सम्मानित किया गया था। इनके गुरु चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज हैं, जिन्हें 2015 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए थे। अपने चमत्कार के कारण धीरेन्द्र दुनिया भर में जाने जाते हैं। वे अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान पर्ची द्वारा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त बागेश्वर धाम में अर्जी लगाता है, उसकी सभी समस्याओं का उपाय धीरेन्द्र शास्त्री एक कागज में लिख कर बताते हैं। उनके मित्रों की बात की जाए तो उनके परम मित्र शेख मुबारक हैं, जिन्होंने इनके कठिन समय में साथ दिया। उनकी यह मित्रता आज भी कायम है, जिसकी चर्चा आज भी बागेश्वर धाम सरकार के विभिन्न मंचों से सुनने को मिलती है। उनकी मुलाकात भी एक दिलचस्प घटना के कारण हुई थी। दरअसल डॉक्टर शेख मुबारक अक्सर निजी काम के सिलसिले में छतरपुर से जाया करते थे, तभी गढ़ागंज में उनकी मुलाकात धीरेन्द्र कृष्ण से हुई, जो उनसे उम्र में काफी छोटे थे। इन दोनों के बीच अपने अपने धर्मों को लेकर चर्चा हो रही थी, जिसमें शेख मुबारक जी ने सनातन धर्म को लेकर कुछ टिप्पणी की, जिसके जवाब में धीरेन्द्र ने उनके भ्रम को शांत किया। इसके बाद वे अक्सर बागेश्वर धाम सुंदरकांड का पाठ सुनने आया करते थे। शुरुआती दिनों में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तभी धीरेन्द्र कृष्ण की बहन के विवाह में शेख मुबारक ने उनकी आर्थिक मदद की, साथ ही विवाह के सभी कार्य संपन्न करवाए। जहां एक ओर धीरेन्द्र शास्त्री के भक्त विश्व भर में हैं, तो कुछ लोग उन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप भी लगाते हैं। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक कैंपेन देखने को मिला था, जिसमें उनके विरोध में बातें लिखी गई थी और लोगों को बताया गया कि वे उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये आरोप नागपुर की एक संस्था द्वारा लगाया गया था। जिन्होंने उन पर आरोप लगाया था उनका नाम श्याम मानव है। श्याम मानव संस्था अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के सदस्य थे। उन्होंने महाराज धीरेन्द्र कृष्ण को चुनौती दी कि वो नागपुर आकर अपना चमत्कार दिखाएं। उन्होंने कहा कि अगर वो महाराज धीरेन्द्र कृष्ण ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान जारी करते हुए कहा था कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। हम सालों से बोल रहे हैं कि हम चमत्कारी नहीं हैं, ना ही हम कोई गुरु हैं, हम सिर्फ बालाजी के सेवक हैं।
अगर कोई हमें चुनौती दे रहा है तो वो खुद यहाँ आकर हमारे काम को देख सकता है। हम अपनी जगह छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। अभी हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री ने क्रिसमस को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसे लेकर बवाल मचा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये क्रिसमस सनातनी संस्कृति के अनुरूप नहीं है। अभिभावकों को अपने बच्चों को सांता क्लॉस के पास ना भेजकर आसपास के मंदिरों में हनुमान जी के पास भेजना चाहिए। आज मातृप्रीत पूजन तुलसी पूजन दिवस भी है। मातृप्रीत पूजन कराया जाए, तुलसी पूजन कराया जाए, सांता क्लॉस आएगा, गिफ्ट लाएगा, ये क्या हम पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं? भारतीय और सनातनियों को इस पर विचार करना चाहिए और पाश्चात्य संस्कृति का बहिष्कार करना चाहिए। अभिभावकों को अपने बच्चों को हनुमान जी, मीराबाई और स्वामी विवेकानंद के आदर्शों की तरफ प्रेरित करना चाहिए, न कि पाश्चात्य संस्कृति की तरफ। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं जिन पर समय समय पर बवाल होता रहा है। कुछ दिनों पहले उन्होंने साईं बाबा को लेकर भी कुछ ऐसी बातें कही थी जिन पर काफी शोर मचा था।